डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम MDCAT के हवाले से यूनिट नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास हैं, दे आर दैट एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आप सब जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद उनके यूनिट्स की बात करेंगे, एरेज की बात करेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम अनसर्टेनिटीज एंड प्रीफिक्सेस की बात करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। आइए स्टार्ट लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इन SI सिस्टम इंटरनेशनल। आप सब जानते हैं SI स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। नंबर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर, फिजिकल क्वांटिटीज का नंबर क्या होता है? अब मसला ये होता है कि बच्चा SI पर फौरन से पहले कन्वर्स करता और वो 7 को सिलेक्ट कर लेता। क्यों? क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल में उसके जेन में कहीं बैठा हुआ है कि 7 फिजिकल क्वांटिटी 7 7 7। अब मैं इसको समझाता हूं, याद रखिएगा, यहां पर जो कीवर्ड है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज सिस्टम इंटरनेशनल में देर आर 3 काइंड ऑफ द क्वांटिटीज। नंबर 1 द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर 2 दे आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट द थर्ड नंबर वी हैव गॉट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 7 होती है और बच्चे ने इसी के हवाले से अल्फा को सिलेक्ट किया होता है और वो सोचता होता है, बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने बिल्कुल सही किया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था। तो याद रखिएगा, अगर वो आपसे बेसिक का वर्ड यूज करता तब आप 7 को सिलेक्ट करते, उससे आपसे फिजिकल क्वांटिटीज पूछा जो कि ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और अगर इनका सम किया जाए डिराइव्ड क्वांटिटीज आर वेरी लार्ज इन नंबर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज 2 होती हैं, तो अगर मैं इन सबको सम करूं तो आप सब जानते हैं जवाब भी इनफाइनाइट ही आएगा। इट मीन्स आर बेस्ट आंसर इज डेल्टा। तो आपने एंटी टेस्ट में एक बात का ख्याल रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका रिफ्लेक्स क्वेश्चन से आने वाले जवाब पर, रिफ्लेक्स क्वेश्चन किसको कहते हैं, हम FSC में बार बार कुछ चीजें 3 दफा पढ़ चुके होते हैं कि जब भी उनका जिक्र किया जाए तो हम फौरन से पहले सोचे समझे बगैर उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो SI यहां पर कहा जाए तो एक ऐसा वर्ड है जो आपको भटका आ रहा है, लेकिन कीवर्ड आपके पास है फिजिकल क्वांटिटीज। तो SI को देखकर आपने फौरन 7 को सिलेक्ट नहीं करना। हाँ, अगर वो बेसिक कहता तो फिर 7 आपके पास तब होता जब उसने बेसिक बोला होता, उसने बेसिक नहीं बोला। 3 कब होता? जब वो आपसे टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पूछता कि कितनी तरह की क्वांटिटीज हैं। तो इसे एक MCQs में मैंने आपको सारी बातें सिखाऊंगा इंशाल्लाह तआला। और 4 2 कब होता? जब वो पर्टिकुलरली आपसे सप्लीमेंट्री के हवाले से बात कर रहा होता। इसका मतलब अब यहां पे वो आपसे सप्लीमेंट्री के हवाले से तो बात नहीं कर रहा, सो इट मींस हम लोग यहां पर डेल्टा की तरफ जाएंगे। डेल्टा ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए भी हो सकता है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए भी हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, किसी बेस क्वांटिटी को जब मेजर किया जाए तो देर आर 2 स्टेप्स इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना होता है चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड होगा जो कि ओवरऑल द वर्ल्ड आप उसी को यूज करोगे, और फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर टू मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब उसमें 2 चीजें आती हैं, नंबर आप क्या यूज करेंगे और उसका यूनिट क्या होगा। एक आइडियल स्टैंडर्ड 2 करेक्टरिस्टिक्स रखता है। ये सारी की सारी बातें एंटिटीज के हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ये क्वेश्चन बहुत दफा आ चुके हैं कि आइडियल स्टैंडर्ड की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, ये भी पूछ सकता है। 2 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं याद रखिएगा। जिसे भी आप आइडियल स्टैंडर्ड कहते हैं इट शुड बी एक्सेसिबल। ऐसा ना हो कि जहां पर आप जाएं वहां पर उसको एक्सेस ही ना किया जा सके। दूसरा, ये नहीं होना चाहिए कि किसी कंट्री में तो उसकी वैल्यू कुछ और हो और कहीं कुछ और हो। इसका मतलब इट शुड रिमेन इनवेरिएबल। तो दैट इज, दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1 बेस क्वांटिटी, देर 7 इन नंबर, देन वी हैव गॉट द डिराइव्ड क्वांटिटीज द वेरी लार्ज इन नंबर। सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं, फिर बाद में सप्लीमेंट्री की भी बात करूंगा। बेस क्वांटिटीज जो कि 7 होती हैं हमारे पास, तो ये फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले लेंथ वी हैव गॉट, SI यूनिट इसका मीटर होता है, आप इसको सिंपल एम स्मॉलर एम से रिप्रेजेंट कर रहे होते। एट सेकेंड नंबर वी हैव गॉट द मास किलोग्राम, और इसको केजी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसका SI यूनिट। एट नंबर 3 वी हैव गॉट टाइम, सेकंड इसका SI यूनिट है, इससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एट नंबर 4 वी हैव गॉट द करंट, याद रखिएगा सेकंड ईयर में करंट इन्वॉल्व होगा। तो यार हमें इस बात को अपने जहन में रखना है कि करंट बेसिक क्वांटिटी है, चार्ज बेसिक क्वांटिटी नहीं है। अब करंट का यूनिट एम्पेयर है, आप इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। एट नंबर 5 यू गॉट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने लिखा इसको केल्विन, इसका यूनिट है, वैसे सेल्सियस फॉरेनहाइट भी होता है, लेकिन हम ऐसे यूनिट की बात करें, कैसे रिप्रेजेंट होगा। एट नंबर 6 यू गॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला CD से आप रिप्रेजेंट करेंगे।
एट नंबर 7 वी हैव गॉट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, आप इसको MOL से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या फिजिक्स में ऐसा है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम दो यूनिट्स यूज करें? तो मजे की बात यह कि किलोग्राम और मोल ये दोनों मैटर के लिए यूज किए जाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास भी क्या है, वो भी तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो ये दो क्यों यूज किए गए? तो याद रखिएगा, व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन द बॉडी अमाउंट ऑफ मैटर इन इट, कि उसमें मैटर कितना है, तो फिर हम लोग किलोग्राम यूज करते हैं। लेकिन जब आप हम मॉलिक्यूल्स में इंटरेस्टेड होते हैं तो देन वी आर गोना यूज द मोल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपने याद रखना है, ये एंटीडेस में आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। डिराइव क्वांटिटीज बहुत लार्ज नंबर की होती है, जरा बेसिक क्वांटिटीज से ही इनको डिराइव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, आप सब जानते हैं फोर्स का यूनिट, जिसको हम लोग उसको न्यूटन भी कह रहे होते हैं, बेसिकली एफ इज इक्वल टू एम ए, मास यहाँ पे बेसिक क्वांटिटी है, और एक्सलेशन हमारे पास फिर एक डिराइव्ड क्वांटिटी आ गई। तो अगर मैं यूनिट्स पुट करूं, मास का किलोग्राम और एक्सलेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस तरह से एक डिराइव्ड क्वांटिटी। एक बड़े मजे का क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड नंबर पे, वर्क, वर्क का ऐसा यूनिट जूल है, वर्क जिसको एफ इज इक्वल टू हम लोग एफ डॉट डी लिखते हैं। तो अगर मैं फोर्स का यूनिट लिखूं तो न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर, याद दिखेगा वर्क का कभी यूनिट न्यूटन मीटर नहीं लिखा जाता, क्यों? क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, और टॉर्क जिसका फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है, जो नंबर 3 पे है, उसका यूनिट न्यूटन मीटर लिखा जाता है। तो इन दोनों क्वांटिटीज में डिफरेंस करने के लिए हम हमेशा वर्क के साथ जूल लिखते हैं और टॉर्क के साथ न्यूटन मीटर लिखते हैं। लेकिन ये और बात है, जब इनको मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो न्यूटन मीटर से ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो दोनों के मोस्ट सिंप्लीफाइड जो यूनिट्स होंगे वो सेम होंगे। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहीं से सीख लेते हैं कि ऐसा मुमकिन है फिजिक्स में कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हों, क्या आप इनको ऐड कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वर्क एक स्केलर है, टॉर्क वेक्टर, दोनों के यूनिट्स भी एक जैसे नहीं है। मगर जब डायमेंशंस निकाली जाएंगी तो दोनों की डायमेंशन मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म के यूनिट से निकलती हैं, तो दोनों के डायमेंशन सेम होंगी। इसका मतलब फिजिक्स में ऐसा मुमकिन है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज हों जो कि इंटायरली डिफरेंट हो, मगर दोनों के डायमेंशन यूनिट्स भी डिफरेंट हो, मगर डायमेंशन सेम। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको क्यों नहीं करवा रहा था, क्योंकि मैं आप बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉकेट करवाना चाहता था। आइए देखते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, जो बहुत अच्छे अच्छे टॉपर से भी गलती करवा देता, वही वाली बात कि आप किसी भी अपने दोस्त से पूछे कि यार सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, तो पहला जवाब वो देगा, अब बड़े हैरान होंगे, हमेशा वो रेडियन और टी रेडियन का नाम लेगा। याद रखिएगा यही सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये बहुत अच्छा एंटी टेस्ट की जीनत बना रहा और कभी भी आ सकता है, इसलिए आपको इसको तैयार रखना है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है, इनमें से क्या रेडियन क्या स्टी रेडियन है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। बच्चे चार्ली को सिलेक्ट करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि जनाब हमारा जवाब तो बिल्कुल सही है। याद दिखेगा इसका जवाब नन ऑफ दीज है, क्यों? क्योंकि दीज आर यूनिट्स, ये यूनिट्स है बच्चों, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है, आइए देखते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं कि जिनका कहा जाए हमें नाम भी याद नहीं होता, हम भूल चुके होते हैं। दो क्वांटिटीज हैं हमारे पास, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, रेडियन और स्टी रेडियन इनके एसआई यूनिट्स हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं पहले बता दूं तो आपको इतना मजा ना आता। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। अब प्लेन एंगल को डिटेल से देखते हैं। प्लेन एंगल टू डायमेंशनल एंगल है, कहां बनेगा? सर्कल में बनेगा, टू डायमेंशनल फिगर है ये, सर्कल के दो रेडियाई के दरमियान बनने वाला ये एंगल है। ये वही एंगल तो है जो हमने चैप्टर नंबर 5 में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में पढ़ा था। अब एक बात याद रखिएगा, ये एंगल जितना बड़ा होगा आर्क लेंथ उतनी ज्यादा होगी, विच मीन्स आई कैन सिंपली से दैट आर्क लेंथ एंड एंगल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहीं से हम आर, चूंकि कॉन्स्टेंट के तौर पर अपीयर होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, हमारे पास एस्टैब्लिश हो गया। कोई भी न्यूमेरिकल आप यहां से वो आपसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एन एग्जांपल आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर अ कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए द वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल, इस प्लेन एंगल की क्या वैल्यू होगी? एंटी टेस्ट में आने बार बार आने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखें इसका हिंट क्या होगा, फॉर अ कंप्लीट रोटेशन। देखिए सर्कल में जब रोटेशन कंप्लीट हो जाती है तो पूरा सर्कमफ्रेंस बनता है, जो हम सब जानते हैं 2πr के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, एस इज इक्वल 2πr, एस की जगह पुट करूंगा 2πr, नीचे r है, r r से कैंसिल आउट हो गया, जवाब आया 2π रेडियन।
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने साथ ही पॉकेट कर लिया। बहरहाल देखते हैं, अगर आर्क लेंथ हमारे रेडियस के बराबर आ जाए सर्कल के तो फिर क्या होगा, आप एस की जगह जूं आर पुट करेंगे, आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास जवाब आएगा 1 रेडियन। नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं। सॉलिड एंगल एक बॉल में स्फीयर में बनने वाला एंगल है, 3 डायमेंशनल फिगर। एक गेंद पर किसी भी बॉल पर आप एक दायरा लगाइए, तो अगर आप यहां से कोन बना लेते हैं तो कोन में बनने वाला जो एंगल होगा उसको 3 डायमेंशनल एंगल या सॉलिड एंगल का नाम दिया जाता है। ये स्फीयर में बनता, ये यहां पे जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही बड़ा यहां पे एरिया एलिमेंट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं दैट एरिया एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्केयर। वहीं से फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, थीटा आपके पास आ जाएगा ए ओवर आर स्केयर। आइए इसके हवाले से भी एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ कंप्लीट रोटेशन द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज, अगर मैं कंप्लीट रोटेशन की बात करूं तो याद रखिए जब कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी तो पूरा का पूरा जो एरिया होगा स्फीयर का वो मुकम्मल तौर पर ट्रावर्स हो जाएगा, और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्केयर। मैं जब यहां पर आऊंगा वैल्यू प्लेस करूंगा ए की जगह 4 पाई आर स्केयर, आर स्केयर से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4 पाई स्टी रेडियन। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जवाब क्या आया, पहले में जवाब आया था 2 पाई रेडियन और यहां पर आया 4 पाई स्टी रेडियन। इसी तरह से अगर मैं मजीद आगे जाऊं और मैं अगर एरिया को रेडियस के स्केयर के इक्वल पुट करूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारा जवाब जो एंगल का आएगा सॉलिड एंगल का इट वुड बी 1 स्टी रेडियन। स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम टॉपिक्स को एमसीक्यूज में इंशाल्लाह तआला करते जाएंगे। यही तो आर्ट होता है कि हमने क्या हरना होता है, एक एमसीक्यूज में पूरा पूरा टॉपिक हम लोगों ने हरना होता है। इन साइंटिफिक नोटेशन 134.7 कैन बी रिटन एज, तो इसी में हम साइंटिफिक नोटेशन को हरेंगे। आप सब जानते हैं डेसिमल प्लेस को जब मैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस में लेकर आऊंगा तो मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं, मैंने दो नंबर्स को पार किया है, क्रॉस किया है, तो याद रखिए जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ आऊंगा तो पावर पॉजिटिव लिखी जाएगी, तो जवाब आपके पास आएगा अल्फा 1.347 × 10⁻²। और अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता तो अल्टीमेटली मुझे पावर को नेगेटिव लिखना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। हमारी किताब में यूनिट्स को राइट डाउन करने के डिफरेंट कॉन्वेंशन आपने सारी पढ़ लेनी है, मैंने यहां पे इंपॉर्टेंट जो कॉन्वेंशन है वो आपके लिए यहां पे मैं लेकर आया हूं। अल्फा ऑप्शन है, क्या 10 न्यूटन लिखा जा सकता है? स्टूडेंट आप सब जानते हो कि हमें बताया गया था कि जब भी किसी जगह यूनिट का नाम एक साइंटिस्ट का नाम हो और कंप्लीट लिखा जाए, क्या लिखा जाए कंप्लीट, तो हमेशा फर्स्ट लेटर स्मॉलर होगा। इसका मतलब आप इसको न्यूटन तो लिख सकते हो मगर कैपिटल एन के साथ राइट डाउन नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये अकेला लिखा जाता तो फिर कैपिटल एन ही होता, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय वन गेट वन फ्री, इसका मतलब ये तो सही नहीं है, ये तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन नहीं है। बीटा देखिए 1 मिलीमीटर, यहां पर हमने मिली और मीटर को कहा जाए सेपरेट किया हुआ एक स्पेस मौजूद है, ये स्पेस अलाउड नहीं है, हमेशा इकट्ठा लिखा जाता, इसका मतलब ये भी हम नहीं कर सकते। ये दो पॉइंट हमें क्लियर हो गए। लास्ट पर जाते हैं, यहां पर हमारे पास चार्ली में न्यूटन जो के फोर्स का यूनिट है और मीटर चूंकि लेंथ का यूनिट है, इन दोनों को इकट्ठा लिखा गया और दरमियान में कोई स्पेस भी नहीं है। हमेशा जब भी किसी जगह किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ऐसा होगा जो दो फिजिकल क्वांटिटीज को मिला के बनता होगा तो फिर आप दोनों के दरमियान फासला रखेंगे स्पेस, इसका मतलब बेस्ट इज दिस वन, विच मीन्स दैट यहां पे कोई भी चीज सही नहीं है। तो हमने रिवाइज भी कर लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो डेल्टा इज आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, एरर्स के हवाले से क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ वैल्यूज। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें ये सिखाया जाता है कि अगर हम किसी जगह कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और हम चाहते हैं कि हमसे एरर ज्यादा ना हो तो हम क्या करें, हम जितनी ज्यादा दफा उसको रिपीट करेंगे और एट द एंड एवरेज लेंगे तो एरर कम से कम रह जाएगा। अब मजे की बात है कि पर्सनल एरर को तो कम किया जा सकता है एवरेज लेकर, रैंडम को भी कम किया जा सकता है, लेकिन सिस्टमैटिक एरर आप एक्सपेरिमेंट जिस ऑपरेटर से परफॉर्म कर रहे हो, इसका मतलब सपोज करते हैं अगर वर्नियर कैलिपर्स की मैं बात कर रहा हूं और वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास अगर मैं बात करूं कोई रॉन्ग ग्रेजुएशन है तो जब तक मैं जीरो करेक्शन को अप्लाई नहीं कर लूंगा, याद रखिएगा ये एरर कभी खत्म नहीं होगा। इट मींस आवर बेस्ट आंसर इज द सिस्टमैटिक एरर, बाय वन गेट वन फ्री। हमें ये भी साथ ही पता चल गया कि ये वाले दो एरर्स ज्यादा से ज्यादा दफा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके ज्यादा वैल्यूज लेके फिर उनका एवरेज लेके हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट अक्सर आपने सुना होगा
कि किसी ऑपरेटर्स का लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कहते हैं वो कम से कम वैल्यू जो वो सही मालूम कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मीटर रॉड की बात करूं तो उसका वो कम से कम लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इट कैन गो फॉर व्हाट, वो कितना मालूम कर सकता है एक एक मीटर रॉड की अगर बात की जाए तो वो 1 सेंटीमीटर तक सही मालूम कर सकता, 1 सेंटीमीटर तक सही मालूम कर सकता. वर्नियर कैलिपर्स कहां तक मालूम कर सकता है, अगर 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े किए जाए तो वो 10 टुकड़ों को भी सही मालूम कर सकता, सही आपको वैल्यू देगा. और अगर मैं स्क्रू गेज की बात करूं तो वो 1 सेंटीमीटर के 100 टुकड़े करें तो उनको भी सही मालूम कर सकता है. ये उसका लीस्ट काउंट कहलाता. मतलब की बात यह कि लीस्ट काउंट को अक्सर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम दिया जाता है. क्यों दिया जाता है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी कोई ऑपरेटर कोई वैल्यू लेता है तो उस वैल्यू में जो कम से कम एरर लाजमी मौजूद होता है वो वही होता है जो कि उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट होता है. तो आइए क्वेश्चन देखते हैं. अ मेजरिंग डिवाइस हैज लीस्ट काउंट या क्या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एज 1 मीटर. तो बताइएगा कौन सा एरर उसमें लाजमी हो सकता है. तो दैट इज डेल्टा. डेल्टा इज द आंसर 1 मीटर. अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट. और याद रखिए कि यही बात बार बार एंटी टेस्ट में पूछी जाती रही है और पूछी जाती रहेगी. तो आपको ये रट्टा लगा लें जो भी कह लें इसको आपने याद रखना. अब मतलब की बात की कि यहां पे कुछ अनसर्टेनिटीज का जिक्र करूंगा. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मैं अपने पहले लेक्चर में आप सबको सिखा चुका हूं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बुनियादी तौर पर किसी भी जो डिवाइस है जो जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है उसका लीस्ट काउंट ही कहलाता. व्हाट इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी. लीस्ट काउंट को आप ऊपर रखें और जो वैल्यू मेजर की है उससे डिवाइड कर दें तो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी. अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करूं तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू इसका मतलब ये चीज क्या, ये बन गई हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100 इट विल गिव यू परसेंटेज अनसर्टेनिटी. तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला एंटी टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है, आपको इसको याद रखना. अब सबसे अहम नुक्ता, ये वो शॉर्टकट्स हैं जो हम एंटी टेस्ट में आपको सिखाते हैं. प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. इसका मतलब यह है कि अगर किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना कम होगा जितना सही मेजर कर सकता लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना ज्यादा वो प्रिसाइज होता चला जाएगा. लेकिन जैसे प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे का इनवर्स है तो पता ही चला अगर प्रिसीजन का लीस्ट काउंट के साथ इनवर्स रिलेशन है तो एक्यूरेसी का क्या होगा. बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही गेस किया आपने. That is directly proportional. आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं. एंटी टेस्ट में बारहा रिपीट होने वाले सवाल की तरफ चलते हैं. बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज एंड विच ऑफ देम इज मोस्ट एक्यूरेट. इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है. तो अभी मैं आपको हुनर सिखा चुका हूं तो मोस्ट प्रिसाइज वही होगा ना जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा. तो अगर मैं बात करूं मीटर रॉड की, वर्नियर कैलिपर्स की और स्क्रू गेज की तो आप सब जानते हैं स्क्रू गेज क्या करता. स्क्रू गेज 1 सेंटीमीटर के 100 टुकड़े किए जाएं, आप सोचिए 1 सेंटीमीटर कितना स्मॉल होता है, उसके 100 टुकड़े किए जाएं वो 100 टुकड़ों को भी सही तरह मालूम करने की सलाहियत रखता. इसका मतलब पता चला कि स्क्रू गेज इनमें से ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है. और वो सबसे ज्यादा अगर प्रिसाइज है तो सबसे लीस्ट एक्यूरेट होगा. तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा जिसका कंपैरेटिवली लीस्ट काउंट बड़ा होगा, जो मीटर रॉड है. इसका मतलब बीटा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है. तो मैंने कोशिश की यहां पर आपको इसको हरवा दूं. तो आइए जल्दी से देखते हैं. लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड 1 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 10th part of centimeter 0.1 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज दैट इज 100th part of centimeter कितना 0.01 सेंटीमीटर. तो इस बड़ा क्लियर हो गया दैट एक्यूरेसी चूंकि लीस्ट काउंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मीटर रॉड सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी. लेकिन प्रिसीजन की अगर बात की जाए तो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज के हवाले से दैट इज इनवर्स ऑफ लीस्ट काउंट है. बात करें हम असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट. अगर मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करूं कि दो क्वांटिटीज जो एड या सब्ट्रैक्ट हो रही हूं तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना. एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या चीज काउंट होती है. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड. इसकी एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास सपोज करें एक्स इक्वल एक्स टू माइनस एक्स वन ये है, जबकि एक्स वन हमारे पास है 10.5 प्लस माइनस 0.1. अब ये जो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है दैट इज लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स वन. सिमिलरली यहां पर एक्स टू में 0.1 है तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे दैट वुड बी 0.2 सेंटीमीटर. दैट वुड बी योर
अनसर्टेनिटी इन द फाइनल असेसमेंट। बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के हवाले से, तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है, यहां पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को कंसिडर नहीं किया जाता। इसकी एग्जाम्पल मैं भी आपके सामने कोट करूंगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी काइनेटिक एनर्जी में कितनी है वो पूछ रहा है, जबकि बता रहा है परसेंटेज एरर या अनसर्टेनिटी मास में 2% है और वेलोसिटी में भी 2% है। आप सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है, प्लस यहां पे पावर फैक्टर भी आ गया, मैं आपको पावर फैक्टर वाला भी इसी में हरवाता हूं। फॉर पावर फैक्टर याद रखिएगा पावर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो यहीं पर हमने सारा कुछ कर लेंगे, पावर फैक्टर वाला भी इसी एग्जांपल में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 2 को मैं स्टार्ट में ले आऊंगा, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड में 2% था, हमने 2% लिखा, 2% में 4% ऐड हुआ, जवाब क्या है 6%। इट मींस हम लोग पावर फैक्टर को भी आसानी से कर सकते हैं। अगर एवरेज की बात की जाए तो सबसे इसके कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने एवरेज निकालनी है, एवरेज निकालने के बाद आपने हर वैल्यू में से उसको माइनस करना है, मीन आपने पहले डेविएशन निकालनी है, फिर उन तमाम डेविएशन का आपने मीन निकालना है। तो याद रखिएगा जो मीन डेविएशन होगा वही आपके पास एरर होगा। टाइम फैक्टर यानी टाइम बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स में सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ज्यादा होंगी एरर उतना कम होता जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस यूनिट नंबर 1 ऑफ MDCAT। आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।